खबर देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच की यूपी सरकार का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। हालांकि ट्विटर हैंडल जो हैक हुआ था, जो सरकार का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था, क्या ये अब वापस जो है वो सही हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इसको लेकर भी अपडेट लेंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी खबर है कि यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है। यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट किया गया है, तो यूपी गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं हम। और इसी के साथ अभी फिलहाल इस ट्विटर अकाउंट को हैक करने की जो खबर है, इसके बाद अब इसे वापस सही किया गया या नहीं किया गया है, इसको लेकर भी अभी अपडेट हम आपके सहयोगियों से लेंगे। सीमा हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सीमा, यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट जो हैक हुआ है, इसको लेकर भी क्या अपडेट है, क्या ये वापस दुरुस्त? देखिए, जाहिर है कि ट्विटर अकाउंट पहले भी हैक हो चुके हैं और रिकवर भी हुए थे। अब इस बार फिर से ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर आ रही है यूपी सरकार के। तो तमाम तरह के मैसेजेज होते हैं, ट्वीट किए जाते हैं, इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त भी होते हैं कई बार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार जब इस तरह के फैसला हुआ था, तो उसमें जो है वो जांच के आदेश दिए थे साइबर सेल के अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच की जाए, इसके पीछे जो भी लोग हैं उस पर जो है कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद आज फिर जो है वो इस तरह की एक हरकत होना, वो कहीं ना कहीं एक साइबर सेल के जो अपराधी हैं उनके मनोबल का बढ़ा होना बताता है कि उनका मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ है। वो उत्तर प्रदेश की तमाम चीजों पे जो है वो दखल रखने की कोशिश कर रहे हैं और ट्विटर अकाउंट जैसी जो है चीजों को हैक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप देखिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हुआ है, इसको रिकवर करने की कोशिश। और इसी के साथ देखिए जैसे कि सिमाब ने कहा कि पहले भी हैक हुए और ये कोई पहला मामला नहीं है, उसके बाद उसको रिकवर किया जाता है, इसको ठीक किया जाता है। तो अभी फिलहाल ये खबर है कि यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है। यूपी सरकार के इस ट्विटर अकाउंट को वापस जो है वो अब रिकवर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर जारी, इसको सही करने की कोशिश जो है वो जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। और ऐसे में जब हैक किया जाता है ट्विटर अकाउंट, तो उसके बाद जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उससे जो मैसेजेस हैं, जो ट्वीट्स हैं वो किए जाते हैं अनर्गलर, उनको यहाँ पर देखते हुए ये कहा जाता है कि ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हुआ है। तो फिलहाल अभी खबर ये है कि ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक किया गया है यूपी गवर्नमेंट का, यहाँ पर यूपी सरकार का अकाउंट हैक। और तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए अभी तक फिलहाल इसको रिकवर नहीं किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये ट्विटर अकाउंट है जिसे हैक कर लिया गया है। और इसके साथ अब वापस इसे सही करने के लिए कहा जा रहा है। प्रोफाइल पिक है वो भी यहां पर देखिए चेंज कर दी गई है। और हमारे साथ देखिए रुद्र प्रताप जी जुड़ चुके हैं और वो बखूबी समझते हैं किस तरीके से ये साइबर अटैक्स जो है वो होते हैं। रुद्र जी देखिए यूपी गवर्नमेंट का ये ट्विटर अकाउंट हैक किया गया, पहला मामला नहीं जब ट्विटर अकाउंट हैक किया गया हो, लेकिन इतनी आसानी से ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया जाता है, इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं किस तरीके से पॉसिबल होता है ये इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी। शिवांगी जी, 3 दिन में ये दूसरी बार हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। आपको अगर याद हो 3 दिन पहले यूपी सरकार ने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी किया था कि रात में उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, कहा गया था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक FIR भी दर्ज की हुई थी। लेकिन वास्तव में यही उत्तर प्रदेश की इतने वक्त की हकीकत है कि IT टेक्नीशियन या साइबर एक्सपर्ट्स की कहीं कोई भूमिका ही नहीं है। राज्य सरकार संवाद नहीं स्थापित करती, जो कानून है वो इतने प्रभावी नहीं है। और तीसरी बात, अगर आपको याद होगा जब 2017 में सरकार नई नई आई थी
तब हाँ। तमाम विधायकों को धमकी भरे फोन कॉल किए गए थे जो बाहर के नंबरों से आए थे। आज तक उस पर भी शिवांगी जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। असल में जब तक आप आईटी टेक्नीशियंस या साइबर एक्सपर्ट्स के साथ संवाद के रास्ते नहीं खोलेंगे तब इस तरह की हरकतें लगातार होती रहेंगी। मौसम विभाग का भी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और ये सब ठीक क्यों? प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। तो शिवांगी जी एक बड़ी चैन है, आपको संवाद कायम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके पास मीडिया एडवाइजर्स की तमाम पोस्ट होती है लेकिन सरकार के पास आईटी एडवाइजर की एक भी पोस्ट नहीं है। अगर हमें जवाब तलब करना होगा कि हम किससे करें तो कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रुद्र जी, आपने बहुत सही कहा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर अकाउंट जो है किए जाते हैं इसके लिए आपको साइबर एक्सपर्ट से यहाँ पर बातचीत करनी होगी, जवाबदेही जो है वो तय करनी होगी। और ये पहला मसला नहीं है जब यहाँ पर इस तरीके से ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो रहे हो। लेकिन रुद्र जी यहाँ पर क्या वजह है कि यहाँ पर इसे इतने हल्के में ले लिया जाता है कि अगर हैक हो गया तो हो गया, हम बाद में उसे रिकवर कर लेंगे? बिल्कुल, ये जो लापरवाही वाला अंदाज है यही भारी पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ शिवांगी जी, मेडिकल इतने वक्त पूरा तरह डेटा एनालिसिस पे काम कर रहा है, कौन कोविड से संक्रमित था, किस तरीके से वैक्सीन की डोज दी गई। अगर वहां से डेटा उठ जाएगा तो फिर क्या होगा? जो अस्पतालों की हिस्ट्री डिटेल है अगर उठ गई, अगर विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हो रही है अगर उनकी डेटा हैक हो गया, उनकी साइट हैक हो गई तो क्या होगा? इस तरह की तमाम जो बड़ी गतिविधियां आने वाले समय में हो सकती हैं, सरकार उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट बना रही है? क्या वो कुछ निर्दिष्ट कर रही है? क्या वो नए एआई तकनीकी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश कर रही है? शिवांगी जी अभी तो जमीन पे होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा, शायद इसीलिए यही वजह है कि एक ही अकाउंट पिछले 3 दिनों में लगातार दूसरी बार हैक हो चुका है। जी बिल्कुल रुद्र जी, देखिए आपने जिन बातों का भी जिक्र किया इसकी जवाबदेही अब जरूर यहाँ पर तय करनी होगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जब यूपी गवर्नमेंट का ये ट्विटर अकाउंट हैक होता है तो प्रोफाइल से लेकर बकायदा जो डिटेल्स हैं वो तक पूरी चेंज कर दी गई है, प्रोफाइल पिक्चर इसी के साथ यहाँ पर कवर पेज तक चेंज कर दिया गया। तो ऐसे सोचिए आप डिटेल्स को भी यहाँ से हटा सकते हैं, आप उस डेटा को भी जो एनालाइज करते हैं जो साइट्स पर रहते हैं उन सबको अगर आप हटा देंगे हैक करके तो बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुद्र जी फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है अब।